কিছু তো তোমার সাথে রাবতা, কিছু তো তোমার সাথে রাবতা, কেন আছে কি করে আছে রাবতা, কিছু তো তোর সাথে রাবতা। Hi, this is Meghna and you guys are watching me on Bollywood Helpline. जिनके सॉन्ग सुनकर लोगों की बढ़ जाती है दीवानगी, टुडे वी हैव निकिता गांधी। वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू? गुड, एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है लाइफ? बहुत गर्मी है। ऑनेस्ट रिप्लाई यही है कि बहुत गर्मी है मुंबई में और बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग अंदर साथ में बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, वैसे तो गर्मी आई भी नहीं है बट बहुत अच्छे से गर्मी आ गई है, ऐसा लग रहा है कि मई जून की जो गर्मी आई है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, ये जर्नी कैसी रही? मतलब अमेजिंग रही है। आई मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू करती दिखाई दूंगी और फिल्मों में गाऊंगी और ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था, और जो भी हुआ आई थिंक बहुत अपने ही तरीके से हुआ है और आज मैं यहाँ तक पहुँची। डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे जी, जी। फिर आपने चेन्नई में ए आर रहमान के क्लास में ज्वाइन तो किया। चेन्नई में मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की। मैं स्कूल तक कलकत्ता में थी। ओके। और कॉलेज मैंने चेन्नई में किया, वहीं पे एक्चुअली म्यूजिक करियर शुरू हुई और वहाँ पे अचानक मैं फिल्मों में गाने लगी, रहमान सर के फिल्मों में, फिर अनिरुद्ध के साथ एक गाना गाया, फिर करते करते साउथ इंडस्ट्रीज में काफ़ी फिल्मों में काम करने लगी मैं। तो जब तक मैं मतलब इंटर्नशिप तक पहुंची, तब तक काफ़ी फिल्मों में थोड़ा सा फेमस हो गई थी मैं, तो बहुत अजीब था क्योंकि मैं मतलब कॉलेज में से लैब कोट पहन के घूम रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ और फ्रेशर्स जो है वो आके मेरे साथ पिक्चर्स लेते थे, क्योंकि सबको पता था कि एक सिंगर है कॉलेज में। तो बेफजूल रैगिंग जो होती है कि अपना इंट्रोडक्शन कराओ, मैं सब चीज से बच गई क्योंकि मैं मेरे गाना गाने का वो चीज सबको पता था, तो बेसिकली मुझे गाना गाना पड़ता था सबके लिए, जो बहुत मेरे लिए तो हाँ वो आपको वो तो अच्छा था वो आप हाँ, जिसको तो आप... मैं बहुत जल्दी बेसिकली सीनियर्स की फेवरेट बन गई क्योंकि मुझे परेशान नहीं किया उन्होंने बेसिकली। तो ऐसे पेरेंट्स ने बोला नहीं कि हम तुमको कहाँ डेंटिस्ट के लिए भेज रहे हैं और तुम सिंगिंग के लिए, कुछ ऐसा कुछ आया कमेंट्स कभी या फिर रिलेटिव्स के? बहुत सपोर्टिव रहे हैं मम्मी पापा, और इवन दो आई एम एन ओनली चाइल्ड, यूजुअली ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप ओनली चाइल्ड हो तो दूसरे सिबलिंग के पीछे आप छुप नहीं सकते, बट मैंने एक्चुअली खुद से जो भी डिसीजन लिया, उनको एक्चुअली पता है कि मैं बहुत मतलब सेंसिबल बचपन से ही थी, तो अगर मैंने म्यूजिक चूज भी किया तो सोच समझ के किया। तो रिलेटिव्स ने भी कभी कुछ नहीं बोला? लाइक हमारे यहाँ पे तो पहले वही आते हैं। आधी बंगाली हूँ, सब बहुत खुश है कि मैं सिंगर हूँ। बंगालियों में सिंगर का खून ही रहता है बचपन से, तो आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, ये चीजें मतलब बंगाल में बहुत सेलिब्रेटेड है, तो कभी कोई मतलब कोई अपसेट नहीं होगा अगर फैमिली में कोई सिंगर हो। ये अच्छी बात है, मतलब फैमिली सपोर्टिव थी आपकी और आप यहाँ तक पहुँच गए हो। और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका पहला प्यार म्यूजिक था या फिर कुछ और? पहला प्यार एक्चुअली डांस था। सबसे पहले मैंने ओडिसी सीखना शुरू किया, बहुत छोटी थी मैं तब, और उसके एक या दो साल बाद मैंने हिंदुस्तानी सीखा। ओके। सीखना चालू किया, और जब मैं डांस सीख रही थी तो एक्चुअली म्यूजिक से ही प्यार था, बट वो डांस के माध्यम से हुआ, क्योंकि वो जब मैं डांस सीखती थी तो बोलियाँ हैं, जो श्लोक होते हैं और जो मेलोडीज भी होते हैं, मैं वो गा गा के डांस करती थी जब बहुत छोटी थी, तो मतलब म्यूजिक का ही प्यार था, बट वो आया एक दूसरे रूप में। वो जर्नी आपकी वहीं थी, डेस्टिनेशन वहीं था, तो वहीं मिलेगा आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि जब आपने ये करियर स्टार्ट किया तो आपको याद है आपका फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा था? बिकॉज वो मेमोरेबल होता है सबके लिए। जो मुझे याद है वो है कि जैसे मैंने कहा कि मैं कलकत्ता में बड़ी हुई हूँ और वहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है,
और हर इलाके में पंडाल बनते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. तो मैं शायद 5-6 साल की थी या 4-5 साल की थी जब मैंने मतलब स्टेज पे जाके कुछ तो एक गाना गाया. मुझे वेगली याद है कि मैं चढ़ के कुछ एक फिल्म टाइप का गाना ही गाया होगा मैंने. तो एक्चुअली दैट्स द स्टोरी. वो मुझे परफॉर्मेंस मोर और लेस याद है और वो भी स्टोरी है ऑफ माय स्टार्टिंग टू लर्न म्यूज़िक. क्योंकि पहले मेरी मम्मी ने जाके हमारे म्यूज़िक टीचर को बताया कि शी वॉन्ट्स टू लर्न म्यूज़िक एंड यू नो कैन शी एनरोल विथ यू. तो उन्होंने बोला कि वो बहुत छोटी है, अभी उस वो थोड़ा मच्योर होने दो गाना सीखने के लिए. फिर उसी टाइम दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने कुछ तो परफॉर्मेंस किया, गाना गाया स्टेज पे. और उसके बाद शोपना आंटी, मतलब वो मैं उनको शोपना आंटी बुलाती हूँ, बचपन से वो ही बुला रही हूँ. और उन्होंने मम्मी को जाके बोला कि नहीं एक्चुअली शी इज इन ट्यून, शी हैज अ सेंस ऑफ म्यूजिक, तो भेज सकते हो. तो वैसे ही शुरू, मतलब बचपन से ही वो आ गया. फिर आपने सीख लिया सिंगिंग भी. और आज के टाइम पे आपको, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आपको लेडी गागा से कंपेयर किया जाता है. यस, ये किसने बोला? ये एक मैंने कमेंट्स में पढ़ा था. बिकॉज जब आप स्टेज पे, पहली बार मैं सुन रही हूं. नहीं, एक कमेंट्स पढ़ा था, उस पे था. और जब भी आप स्टेज पे जाती हो तो आप हमेशा फायर रहते हो. तो उस पे क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँ, आप बोलिए कैसे लगता है मेरा परफॉर्मेंस. नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बट आपकी ऑडियंस आपको उनसे कंपेयर कर रही है. वो आई मीन कंपैरिजन, मैं खुद एक्चुअली किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती. मुझे लगता है सबका आइडेंटिटी बहुत इंडिविजुअल होता है. ऑल्दो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक सबका अपना पहचान होता है. और ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे स्टेज पर रहना बहुत पसंद है. ये नहीं कि अब मैं सिंगर हूँ इसीलिए मैंने अडेप्ट किया या खुद को परफॉर्मर बनाया. आई थिंक बचपन से ही मुझे स्टेज पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था. और ऑफकोर्स एज आई हैव ग्रोन ओल्डर और थोड़ा मतलब ज़्यादा शोज करते करते वो एक आपका एक बॉडी लैंग्वेज बन जाता है स्टेज पे, एक आइडेंटिटी बन जाता है जो कभी कभार आपके नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग होता है. आप कई लोग, मैंने कई कमेडियंस देखे, मैंने कई सिंगर्स एक्टर्स जो ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज बहुत अलग होते हैं. और कई लोग बहुत सिमिलर भी होते हैं, बट कुछ तो अलग होता ही है स्टेज पे. जो आई थिंक मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ पता नहीं, बट डेफिनेटली एक अलग फीलिंग आता है अंदर से स्टेज पे. मैं आपको अभी देख रही हूँ तो आपका फैशन सेंस जो है ना बहुत ही डिफरेंट है. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये कहाँ से आपने अडॉप्ट किया ये चीज़? पता नहीं. आई थिंक मुझे पसंद है टू यू नो लाइक अपने शोज में, अपने लाइक इवेंट्स पे मैं खुद को ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाइल करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टू लाइक आई थिंक वो भी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. टू यू नो योर स्टाइल लैंग्वेज, आप क्या कहना चाहते हो अपने सिलोएट के थ्रू, अपने कपड़ों के थ्रू, क्यों ये कलर वो कलर. इनफैक्ट हमने जो ये टूर किया पूरे मार्च में, मैंने पूरे बैंड के लिए जो विजुअल एस्थेटिक था डिज़ाइन किया. आई हैड अ थीम इन माई माइंड कि मुझे ऐसा ऐसा करना है. तो आई थिंक बिकॉज विजुअल आर्ट्स भी आर्ट्स है और क्रिएटिविटी का एक हिस्सा है, और इसीलिए शायद मुझे पसंद है टू यू नो टू स्टाइल एंड टू लाइक इनकल्केट फैशन. ऐसा सुना है मैंने कि आप पेट लवर भी है. आप कहाँ से ये सब सुन रहे हैं पहले ये बताइए. वो हमारे सूत्र ने बता दिया. काफी सुनने को मिल रहा है आपको आजकल. हाँ, ये सच है. मतलब मैंने देखे भी, आपके इंस्टाग्राम पे भी देखे हुए हैं. तो झूठ तो नहीं होगा, सच्ची है. तो ये आपका पहला प्यार, मतलब ये भी है पहला प्यार? कितने पहले प्यार होंगे भाई. आई मीन डिपेंड ना कि प्यार, मतलब वो तो अलग ही प्यार होता है. पेट लविंग अलग हो जाती है. हाँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड और दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं. तो मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, नॉट अ जॉइंट फैमिली. तो ऐसे घर के डायनामिक में पेट रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले से ही नो मिल जाता है कि कोई रहता नहीं है घर पे. हम लोग काम करते हैं, तुम स्कूल जाते हो, कौन देखभाल करेगा, कौन पालेगा. तो जब भी मैं, और मुझे बचपन से एनिमल्स पसंद है, ऑल एनिमल्स. तो जब भी मैं पूछूँ कैन आई गेट अ डॉग, मैं मम्मी बोलती थी पहले खुद को
पालना सीखो, फिर किसी और को पालना सीखो. तो ये डायलॉग मुझे बचपन से मिला है. और जब मैं लाइक बॉम्बे शिफ्ट हुई और खुद से रहने लगी, तो फिर भी मुझे इतना प्यार है कि इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे घर के अंदर नहीं रखना है कुत्ता या जो भी बिल्ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ्री रहना चाहिए. तो मेरे लाइफ में भी जो भी एनिमल्स आए काफ़ी, मतलब दे हैव कम थ्रू सम रेस्क्यू, या मतलब उनको अबैंडन किया गया या उनकी मम्मी यू नो नहीं मिली, ऐसे करते करते जो भी जिनको भी मैंने पाला है इस बैकग्राउंड से पाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको घर में नहीं रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए. ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो रख लेते हैं पर उन्हें संभालने नहीं आता जी. और फिर वो बाहर के तो अलग ही ट्रीट करेंगे, घर में भले उनके रहेंगे जी. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है पेट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है. बिल्कुल. मेरे घर में मैंने मेरे पापा से कहा कि मुझे पेट रखना है, तो बोलते हैं तू है बस. तो वही मुझे वही मिलता था कि तुम लड़का भी हो, लड़की भी हो, कुत्ता भी हो, बिल्ली भी हो, सब हो, तुम हमारे लिए काफ़ी हो. मतलब ये सच में ये पेरेंट्स का अलग ही हो जाता है, वो हमने कंपेयर कर देते हैं उस चीज़ से. अपार्ट फ्रॉम दिस, बादशाह के साथ आपके एल्बम्स आ रहे हैं जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, लाइक क्या है, क्या इस बार यूनिक होगा? जुगनू ने तो दिल जीत लिया है जी. क्या होगा, क्या गाना तो निकल गया अभी, एक था राजा, उन्होंने एल्बम लॉन्च किया, ड्रॉप किया, उसमें मैंने गाना गाया विद बादशाह एंड डिवाइन, जो मेरे लिए एक एक्साइटिंग चीज़ था, क्योंकि डिवाइन के साथ बहुत दिन से मुझे काम करने का मन था. और गाना भी आई थिंक पूरे एल्बम में काफ़ी, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वो सजना, काफ़ी प्यार मिल रहा है इस गाने को. और बहुत वही चाहिए ना एक आर्टिस्ट को कि आप हमारे गाने सुनो और अपनाओ और सबके साथ शेयर करो और सुनते रहो. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग राबता जी, ये आपको कैसे मिला, इसकी अपॉर्चुनिटी मतलब कहाँ से आई, कैसे? ये मुझे भी नहीं पता इसका मतलब कैसे हुआ, वो नहीं पता, बट हो तो गया वो. बेसिकली मैं इनफैक्ट उस टाइम बॉम्बे में रहती भी नहीं थी, अप डाउन कर रही थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे चेन्नई से बॉम्बे, और मैं आती जाती थी. और फिर प्रीतम दा के स्टूडियो में कुछ मतलब किसी ने मेरी कुछ तो डेमो या कोई एआर सर के साथ गाना सुनाया होगा, तो मुझे स्क्रैचेस के लिए बुलाने लगे. इनफैक्ट मैंने काफ़ी फेमस गानों के स्क्रैचेस भी गाए, जैसे आई थिंक कौन सा गाना, ब्रेकअप सॉन्ग का स्क्रैच गाया मैंने. और ये क्या अमित का कौन सा गाना है, अरे यार जिस दिन मैं ये गाना गाने गई सैया मेरी ब्यूटीफुल व्हाटएवर सैया, तो उस टाइम मुझे ये डब करके मैं निकली और एक और लिरिक शीट पकड़ाया गया और ये भी तेरी आवाज़ में ट्राई करते. और मैं पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कुछ तो है तुझसे रब्ता, तो एग्जिस्टिंग गाना है. तो उन्होंने बोला कि कुछ तो एक फिल्म है मनमा इमोशन जा गए. अरे आई डिडंट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, मैं लिप सिंक देख रही थी. हाँ तो फिर से घुसी मैं स्टूडियो में, उसी दिन था शायद मोस्टली उस जब मैंने ये गाना डब किया, वो मेरी आवाज़ में निकली नहीं, वो तो दूसरी कहानी है. बट फिर मैं गई स्टूडियो पर और मैं गा रही हूँ और वर्स तो मतलब अलग था, एंट्री अलग थी और ये सब. तो फिर राबता के काफ़ी ड्राफ्ट्स हुए और हर बार मुझे बुलाते रहे और हर बार मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब ज़ीरो, माँ कसम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने वो गाना गाया, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रखते, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे मैथ्स चल रहा था कि इतना बड़ा गाना, फिर उन्होंने बताया कि शायद दीपिका विल बी द फेस ऑफ द सॉन्ग, तो इतना सब सुन के मुझे लगा कि यार फिर तो कोई बड़े सिंगर को जो बहुत इस्टेब्लिश है उनसे गवाएंगे, और मैंने तो कुछ हिंदी में गाया ही नहीं तब तक, मतलब कोई रिलीज गाना था ही नहीं मेरे साथ. तो फिर करते 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 मैं कैलकटा चली गई, फिर प्रीतम दा से कॉल आया और वो बोले कि तू कहाँ है, तो मैंने बोला मैं कैलकटा में, बोले कि हम लोग फ्लाइट बुक कर रहे हैं तुम उधर आ जाओ.
फिर रहो जब तक ये गाना निकले. फिर तीन चार दिन मैं थी बॉम्बे में और वो लोग चेंज करते रहे बिकॉज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक बहुत बड़ा गाना है, टाइटल ट्रैक है फिल्म का, ये वो. तो लिरिक्स चेंज, ट्यून चेंज करते 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 अचानक निकल गया मेरी आवाज़ में. फिर मैं ऐसे लिटरली एक दोस्त के घर में बैठ के गाना सुनते, मतलब मुझे आई कुड नॉट बिलीव इट कि ये गाना मेरी आवाज़ में निकल गया. और फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि इज़ दैट रियली यू, आई कॉन्ट बिलीव इट, दिस दैट दिस दैट, ये सब चल रहा है. और मैं सोच, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चल रहा है. और फिर मैं दोस्त घर में बैठे बैठे सोच रही हूँ, आई गेस आई शुड शिफ्ट टू बॉम्बे. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ राब्ता एंड स्टोरी ऑफ शिफ्टिंग टू बॉम्बे. दैट्स सो अमेजिंग. मतलब कहाँ आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ आप सोच रहे नहीं मिलेगा, बट मिल गया वो. वो अच्छी बात थी. आपने अभी एक मेंशन किया कि मतलब कभी कभी होता है, मतलब मैंने ये सुना भी है कुछ सिंगर्स का कि उनसे गाना गवा तो लेते हैं पर जब वो रिलीज होता है तो वो किसी और की आवाज़ होती है. तो आपने ये कितने बार फेस किया? ये फिल्मों में बहुत होता है. शुरू शुरुआत में मुझे अजीब लगता था टू बी ऑनेस्ट. फिर मुझे समझ में आया कि सी एट द एंड ऑफ द डे अ फिल्म इज नॉट योर्स. मतलब एक स्क्रिप्ट है, कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी लाइन है. तो ये चीज़ दिल पे नहीं लेना चाहिए बिकॉज हर बार आप कोई गाता है तो यूजली इट्स लाइक एन ऑडिशन, राइट? जैसे एक्टर्स ऑडिशन करते हैं, स्क्रीन टेस्ट करते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग. और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म के काम में होता है फिल्म में क्या जा रहा है, फिर आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी आवाज़ या आप, फिर आपका टैलेंट, वो सब बाद में आता है. जो फिट करता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और उसके बाद तो फिर आई रियलाइज़ कि ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है फिल्मों में कि कि लोगों को ऑडिशन देना पड़ता है गाने के लिए और कभी कभार फिट नहीं होता है एक्टर्स के साथ. पर ऐसा कभी बुरा लगा कि अरे ये मैंने गाया होता तो मेरी आवाज़ थी और रिलीज किसी और के से हुई? एक्चुअली बुरा नहीं लगता है मुझे. आई थिंक मन माय इमोशन जागे से ज़्यादा अच्छा रापता था मेरे लिए. बात सही है. पर आपकी वो आवाज़ है ना कि ऐसा पहचान में भी आ जाती है कि हाँ ये निकिता है, निकिता ही है, ये ऐसे पहचान लेते हैं लोग. तो वो आपने कैसे कुछ प्रैक्टिस किया था कि ये नेचुरली था? मतलब समटाइम देखा गया कि वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अलग आवाज़ टोन प्रैक्टिस करते हैं लोग. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को एक बात पूछनी है आपसे. मतलब आज के टाइम पे है ना बहुत सारे एक्टर सिंगर्स और रैपर्स है ना एक दूसरे को डिस कर रहे हैं. लाइक सिंगर्स का करते हैं, करते हैं समटाइम इट्स हैपन. तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरा इतना हाई सेल्फ एस्टीम नहीं है कि मैं दूसरों को डिस करूं. नहीं आप मत कीजिए, बट वो जो कर रहे हैं क्योंकि ये कभी होता नहीं था. ये अब म्यूजिक इंडस्ट्री में चालू हो गया है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. आई मीन आई डोंट नो दिस. आई नो कि रैप कल्चर इंटरनेशनली में होता है क्योंकि वो एक, बट वो भी एक बहुत हिस्टोरिकली रेलिवेंट चीज़ है. मतलब वो बहुत डीप रूटेड कॉन्वर्सेशन हो जाएगा वो. बट इन ओवरऑल रैप कल्चर में ये होता है कि खुद को रिप्रेजेंट करना, दूसरे को डिस करना, ये एक इट्स लाइक अ स्पोर्ट ऑलमोस्ट. जैसे आप स्कूल में होता था ना, आप लोग, हम लोग चांट करते थे लाइक क्या कहते हैं लाइक ओ भाई. हमारे स्कूल में तो बहुत अजीब टाइप के वो थे. तो शेयर कर सकते हैं आप. ओ भाई आप फुचका वाला हो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. कौन जीता हो, ऐसा होता है ना, ऐसे रैंडम स्लोगन्स या चांट्स जैसे बोलते हैं. सो आई थिंक मतलब मेंटालिटी वही है कि आप बेसिकली खुद के लोगों को बकअप करो. बिकॉज रैप कल्चर में ये भी होता है कि देर आर लाइक कम्युनिटीज, जैसे गली गैंग इज अ कम्युनिटी इन इंडिया. तो ऐसे वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट में बहुत झगड़ा होता है अब्रॉड US में. तो ये मुझे पता है, बट आई थिंक वही मेरा पॉइंट यही है कि डिस करने का कल्चर जो है उसका एक रेलिवेंस है. और अगर आपको डिस करना भी है तो रेलिवेंस के साथ कीजिए. ऑलराइट, बट मैं नहीं कर सकती हूँ. नहीं अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए. क्यों किसी के किसी को डिस करना है? अपार्ट फ्रॉम जो आपने भी पुचका का नाम लिया, ये वाला फूडी, ये मैंने सुना, तो खुद को ऐसा मेंटेन कैसे किया आपने? कहाँ ये तो है ना सब. कहाँ है? मतलब क्या ऐसे, मतलब ऐसा फेवरेट फूड आपका मुंबई, कोलकाता या चेन्नई का कुछ ऐसा है? मुझे ऑनेस्टली मैं बहुत इजी टू प्लीज हूँ खाने के मामले में.
क्योंकि मुझे बहुत सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली बहुत सिंपल खाना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे. और मुझे दाल चावल दे दो मैं खुश हो जाऊंगी. मैं वैसी हूँ तो हर तरीके का खाना मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली. कोई आई मीन ऑफकोर्स मैं कलकत्ता में बड़ी हुई हूँ तो बंगाली खाना पसंद तो है ही. और मेरे रिलेटिव्स भी मुझे ऐसे ही टीज करते हैं कि इसको तो दाल चावल दे दो तो वही खा लेगी, उसका कोई टेंशन ही नहीं है. बस बस खाना बनाने आता है? बिल्कुल आता है, दाल चावल तो बनाना आता है. नहीं नहीं मैंने बहुत अभी लॉकडाउन में सब शेफ बन गए थे ना तो मैं भी बन गई थी. कुछ ऐसा डिश जो आपका फेवरेट है जिसकी रेसिपी आपने खुद बनाई हो, ऐसा कुछ है? खुद के इन्वेंटेड डिश है एक्चुअली मेरे. बताओ बताओ बताओ. कैसे बताओ मैं? अरे बताओ, हम भी कभी ट्राई करेंगे. ऐसे इंटरव्यू आपको ऐसे इतना जल्दी से बता देंगे क्या? इन्वेंशन बता दो. वो सिर्फ पर्सनल लोगों को बताना पड़ता है. ये गलत बात है. मैं भी ला के बता रहा हूँ. तो फिर कब आना है खाने? मेरी मम्मी ने एक चीज मुझे बताया था, उनके बचपन में मेरे नाना जी एक डिश बनाते थे. वो बेसिकली था, मतलब उसका रीजन था कि जो बचा हुआ खाना है उसको खाने का. तो वो क्या करते थे, वो सब्जी दाल चावल सब मिक्स करके उसमें चुड़मुड़ वुड़मुड़ डाल के बोलते थे ये ओला ओला है. उन्होंने ये इन्वेंट किया था मेरे नाना जी, और ही यूज्ड टू कॉल इट ओला ओला. तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. तो मैं भी, और मेरे घर में डायनामिक ये है कि जैसे बताया मम्मी पापा बोथ वर्किंग एंड ओनली चाइल्ड. तो जब मैं स्कूल से वापस आ जाती थी, कभी कभार होता था दे वुड कम मच लेटर. तो मैं भी, और तो मैं कुक, मुझे एक फैसिनेशन था कुकिंग में और कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनाते हैं. तो मैं रैंडम चीज़ें लेके खुद के मेरे दिमाग में ये फिलॉसफी था भी किसी भी चीज़ में आप चीज़ डाल दो तो बहुत टेस्टी हो जाता है. तो मैं चावल में चीज़ डाल के सब्जी डाल के जो मिलेगा, मतलब खुद के टेस्ट के हिसाब से डाल के सब में चीज़ नहीं, मतलब सोच समझ के. बट लॉजिक ये था कि चीज़ डालने से बहुत बेक्ड डिश, एक कुछ रिजॉर्टो टाइप का. मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोल कर. ये मेरे छोटे छोटे इन्वेंशन हैं. अगर मुंबई की कोई डिश जो आपकी फेवरेट है, ऐसा कोई लोकेशन है जहाँ पे आप जाते हो और जैसा मूड हो गया मुझे यही खाना है तो ऐसे जाते हो आप रैंडमली? सोच लाइक आई हैव टू नेम रेस्टोरेंट्स और डिशेस. जैसे स्ट्रीट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कुछ भी, जैसे आप जहाँ पे भी अवेलेबल है लेकिन मन हो गया मुझे आज यही खाना है. ऐसा कुछ बॉम्बे वाला स्पेशल नहीं है. जैसे कभी कभार हम लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे डोसा मिलता है बहुत अच्छा. आई थिंक बॉम्बे का कल्चर ये है कि कोई स्पेसिफिक कुजीन नहीं है. आपको जो चाहिए मिल जाएगा, पिज्ज़ा चाहिए मिल जाएगा, आपको सुशी चाहिए मिल जाएगा, वड़ा पाव तो मिलेगा ही. जान है वो मुंबई के. ओके ठीक है, ये तो हमारा फूड वाला हो गया. मतलब एक्चुअली ज़्यादा बंगाली खाना ही खाती हूँ मैं यहाँ पे. वाओ, अच्छा यहाँ पे बिकॉज़ दूसरे लोगों को भी पसंद है ना, तो वो बोलेंगे हैंगलाज ये वो, मतलब जो बिरयानी कलकत्ता वाला जो स्टाइल बिरयानी है. ओके सो आई थिंक तो स्पेसिफिक कुजीन नहीं. यहाँ पे जो कोई रेस्टोरेंट है जो कि बंगाली डिश के लिए बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, आई थिंक सब ओवररेटेड है सीरियसली. ऑलराइट, मेरे घर आओ. आई एक्चुअली फील जेन्युइनली कि घर का खाना से ज्यादा अच्छा कोई टेस्टी कोई भी नहीं बनाता है. वो तो बात सही है, मतलब घर का खाना होता है कितना भी ट्राई कर लो बाहर. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में बहुत अच्छा कुक है और उनको हम YouTube, और वो बहुत मॉडर्न भी है तो वो बोलता है मुझे YouTube लिंक भेजो मैं बना दूंगा. वाओ, तो हम लोग यही करते हैं. ये सही है. ओके निकिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट आपने जब से करियर स्टार्ट किया है तो सक्सेसफुल हमेशा रहे हो, कभी डाउनफॉल देखा? आई डोंट नो व्हाट इज डाउनफॉल रियली, क्योंकि सिंगर के जर्नी में बहुत इनकंसिस्टेंसी तो रहता ही है. मुझे लगता है दो तीन दिन भी मेरा कोई काम ना हो तो मैं पागल हो जाती हूँ. तो आई फील कि आप खुद को अगर बिजी रखो तो मतलब ऊबड़ खाबड़ तो होता ही रहता है लाइफ में. इट्स हाउ यू परसीव, मतलब आप ऑफ टाइम में मज़े भी कर सकते हो, अपसेट भी हो सकते हो,
तो वो दिमाग का स्टेट ऑफ माइंड वाली चीज़ है मुझे लगता है। ओके ठीक है, लाइट करते हैं इसको। फ्री टाइम में आप क्या करते हो, लाइक वेन एवर यू फ्री? कभी कभार लाइक बैडी खेलती हूँ, अलग अलग लाइक फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, अपने कुत्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ। एक्चुअली वो बीच बीच में जो गैप करता है वो नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलता है, तो कभी डिपेंड्स, कभी कभार कुछ करने का मन नहीं करता है तो, बट हमारे लाइफ इकोसिस्टम में ऐसा ही है कि सारे दोस्त पहुँच ही जाते हैं घर, अगर आपने बुलाया या ना बुलाया। निकिता, आपने जब अपने करियर स्टार्ट किया और अभी आप खुद को यहाँ देख रहे हो, और ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे इस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करना है फ्यूचर में, कोई है ऐसा कोई पर्सन? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई एक नाम तो दिमाग में ही नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ। फर्स्टली सो ग्रेटफुल कि इतने सारे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुकी हूँ मैं, और ऑफकोर्स बकेट लिस्ट तो है ही, वो मैं शेयर ना करके कोलैबोरेट करके ही दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा कवर अप कर लिया आपने। कवर अप नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली लिस्ट हो जाता है ना, फिर लिस्ट में एक नाम बोलने से दूसरा नाम मिस आउट होने से मुझे आपको बुरा नहीं लगेगा, मुझे बुरा नहीं। बात तो सही है। ठीक है, लास्टली मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई पर्सन सिंगर बनना चाहता है या आपके जैसा बनना चाहते हो, क्योंकि आपकी आवाज़ कोई, प्लीज मेरे जैसे मत बनो और खुद के जैसे बनो। क्यों? क्योंकि सबको खुद के जैसे बनना चाहिए ना। नहीं मतलब सब तो अडॉप्ट करते हैं ना कि हाँ मुझे योयो हनी सिंह बनना, मुझे बादशाह बनना, ये सारी चीज़ें होती है। ये गलत है, जो आपको, आप जो हो वो बनो और वो अपनाओ और उस चीज़ को डिवेलप करो, वही एडवाइस है। लास्टली कुछ बड़ा कोलैबोरेशन जो अभी आने वाला है आपके इस 2024 में? हाँ, अभी बहुत सारे गाने निकले हैं, एक बादशाह के साथ मडगांव एक्सप्रेस में एक गाना निकला है, अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म निकलने वाला है, गाना तो निकल गया मस्त मलम झूम, तो ऐसे इनफैक्ट विशाल मिश्रा से अभी गाड़ी टू गाड़ी क्रॉस करते हुए हम लोग आपके पास आए, तो ऑलमोस्ट ठोक दिए हमको। नहीं बट जेन्युइनली बहुत सारे गाने हैं पाइपलाइन में, जिसके बारे में बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती पता नहीं, फिल्म के गाने भी है, नॉन फिल्म भी है, इनफैक्ट एक बहुत फेमस यूट्यूबर के साथ मैंने गाना किया है, जो फीमेल यूट्यूबर, इतना बोलती हूँ, थोड़ा सस्पेंस, तो उनके साथ ये प्राजक्ता को दी तो नहीं? नहीं। प्राजक्ता और मैंने बहुत काम किया है साथ में, मिसमैच में एक्चुअली शी हैज़ बीन एक्टिंग इन दैट शो, और मैंने पहले सीजन में एक तो एक बहुत फेमस गाना गाया ऐसे क्यों, और उसके अलावा एक गाना मैंने कंपोज भी किया है उस शो पे, तो प्राजक्ता और मैंने एक्चुअली बहुत काम किया है साथ में, बट एज अ सिंगर एंड एक्टर, और बट दिस इज़ अनदर फीमेल यूट्यूबर म्यूजिशियन, और शी इज़ ऑल्सो ड्रॉपिंग एन एल्बम, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, कब रिलीज़ हो रहा है कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड थैंक यू सो मच।